नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मत्स्य विज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वीडियो सेकंड भाग दो, मत्स्य निरीक्षक सहायक मत्स्य अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए जो वीडियो है अपलोड किया है उसका भाग दो। भाग एक हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसमें कुछ विशेष प्रश्न थे मत्स्य विज्ञान पर आधारित, और ये भाग दो है इसका। ठीक है, ये हमारा चैनल है विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिए, जिससे जैसे ही हम कोई सा वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्रश्न नंबर एक, मछलियों पे हमने बहुत से प्रश्न अभी पिछले वीडियो में भी देखे हैं, तो पहला प्रश्न जो इसमें है वो है, मछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए जो है वो है 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 मई, ऑप्शन सी है 10 जुलाई, या ऑप्शन डी जो है वो 20 सितंबर। तो मछुआ दिवस है, और क्योंकि ये पानी से जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए ये कब मनाया जाता होगा? जब बारिश होती है या वर्षा ऋतु के मौसम में इसे मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक भी हो सकती है याद रखने के लिए। इसका सही आंसर रहेगा 10 जुलाई, मछुआ दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि तालाबों में पानी लबालब भरा हुआ होता है बारिश का पानी। ठीक है, जुलाई का महीना। इसके अलावा सितंबर में तो पानी सूखने लग जाता है, मई और अप्रैल में पानी होता नहीं है तालाब में, इसलिए तालाब में पानी कब भरा हुआ होता है? जुलाई के महीने में, इसलिए ये कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। इसे इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर दो, कतला मछली की कितने प्रति किलोग्राम अंडे देने की क्षमता होती है, या लाभ के लिए कौन सी मछली उपयोगी होती है जिसको अधिकतर पाला जाए? तो ये ऑप्शन ए है 1.15 लाख प्रति किलोग्राम, ऑप्शन बी है 1.25 लाख प्रति किलोग्राम, ऑप्शन सी जो है 1.35 प्रति लाख प्रति किलोग्राम, और ऑप्शन डी है 1.45 लाख प्रति किलोग्राम। कतला मछली की जो प्रति किलोग्राम अंडे देने की क्षमता है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1.25 लाख प्रति किलोग्राम। ठीक है, मतलब 1.25 लाख प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, मत्स्य पालन हेतु तालाब के स्थान के चयन के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए? अभी हमने ये देखा था कि तालाब का पीएच कितना कैसा होना चाहिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था। अगर आप कोई जानना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए कि तालाब का पीएच कितना होता है। और इस प्रश्न में पूछा गया है, मत्स्य पालन हेतु तालाब के स्थान के चयन के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए? नर्म तथा दलदली, ऑप्शन बी है अधिक जल धारण क्षमता युक्त, या ऑप्शन सी है अधिक उर्वरता युक्त, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो जहाँ पे पूछा गया है कि मृदा कैसी होनी चाहिए, यह है उपयुक्त सभी, मतलब नर्म और दलदली भी होनी चाहिए, अत्यधिक जल धारण क्षमता युक्त भी होनी चाहिए, और अधिक उर्वरता वाली भी होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है, भारत में अंगुलिका संचयन का सबसे सही समय क्या है? मैंने बताया था कि मत्स्य पालन के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? बारिश का, जिसमें सब जगह जल जल होता है। तो इसका सही ऑप्शन है जुलाई अगस्त, ऑप्शन ए जुलाई अगस्त, ऑप्शन बी जुलाई अक्टूबर दिया है, ऑप्शन सी सितंबर अक्टूबर दिया है, और ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर दिया है। तो इसका सही आंसर है अंगुला संचयन का सबसे सही समय, अंगुलिका संचयन का सबसे सही समय जुलाई अगस्त का महीना होता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, कवचित मछलियाँ रखी जाती हैं, किसमें रखी जाती हैं? प्लेकोडमाई में, कोंडिकिथीज में, आस्टिकिथीज में, या उपरोक्त सभी में? तो इसका सही आंसर है प्लेकोड माई में। ठीक है, अगला प्रश्न, मत्स्य पालन हेतु तालाब की मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितने प्रतिशत होना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ भी होना चाहिए मत्स्य पालन के लिए तालाब की मृदा में, तो उसका कितना परसेंट होना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका 5.0%, ऑप्शन बी है 2.5%, ऑप्शन सी है 4.0%, और ऑप्शन डी है 1.0%। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मत्स्य पालन हेतु
तालाब की मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 1% या 1%। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है, मत्स्य पालन हेतु तो प्रयुक्त तो तालाब में बुझा हुआ चूना, चूने का उपयोग भी मत्स्य पालन में किया जाता है, तो ये क्या है? बुझा हुआ चूना कितना डालना चाहिए, कब डालना चाहिए? तो ये कब डालना चाहिए? ऑप्शन ए है, गोबर की खाद डालने से 15 दिन पहले। गोबर की खाद डालने से 15 दिन पहले। ऑप्शन बी है, गोबर की खाद डालने से 15 दिन बाद। ठीक है, मतलब इसमें गोबर की खाद का बड़ा ही महत्व है। ऑप्शन सी जो है वो गोबर की खाद डालने के 2 माह पूर्व, या ऑप्शन डी है गोबर की खाद डालते समय। तो मत्स्य पालन हेतु तालाब में बुझा हुआ चूल्हा चूना कब डालना चाहिए? तो ये गोबर की खाद डालने से 15 दिन पहले। पहले चूना डालेंगे, उसके बाद खाद डालेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है, मत्स्य पालन हेतु प्रयुक्त तालाब में गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर कितनी डालनी चाहिए? अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि 15 दिन पहले या 15 दिन बाद कब गोबर चूना डालना चाहिए गोबर की खाद के, तो लेकिन इसमें पूछा है गोबर की खाद कितने हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। तो 100 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या 500 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो मत्स्य पालन हेतु प्रयुक्त तालाब में गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर 100 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। मत्स्य पालन हेतु प्रयुक्त तालाब में गोबर की खाद डालने का उचित समय है अंगुलिका संचयन से कितने दिन पहले या कितने दिन बाद? अंगुला संचयन के कितने दिन पहले या कितने दिन बाद गोबर की खाद डालने का सही समय होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 0.5, नहीं 5 से 10 दिन बाद, सॉरी 5 से 10 दिन बाद। बी ऑप्शन है 10 से 15 दिन बाद। ऑप्शन सी है 15 से 20 दिन बाद। और ऑप्शन डी है 10 से 15 दिन बाद। तो सही आंसर इसका है 15 से 20 दिन पूर्व, सॉरी कुछ गलत ऑप्शन हो गया था, 15 से 20 दिन पूर्व। चलिए अगला प्रश्न है, लेबिया रोहिता किस मछली का वैज्ञानिक नाम है? पिछले वीडियो में भी हमने कुछ वैज्ञानिक नाम देखे थे मछलियों के, उन्हें जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, वो भी आपके क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, लेबियो रोहिता किस मछली का वैज्ञानिक नाम है? कतला मछली का, ऑप्शन बी रोहू मछली का, ऑप्शन सी ग्रास कार्प का, या ऑप्शन डी सिल्वर कार्प का। तो लेबिया रोहिता जो मछली है वो रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा, रोहू मछली का नाम लेबिया रोहिता। यहाँ पे रोहू दिया है और यहाँ पे रोहिता दिया है, रोहिता रोहू दोनों कॉम्बिनेशन बैठाइए अपने दिमाग में और याद रखिए, रोहू मछली लेबिया रोहिता नाम से, वैज्ञानिक नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, साइप्रिनस कार्पियो किस मछली का नाम है? साइप्रिनस कार्पियो किस मछली का नाम है, वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन ए है कतला मछली, ऑप्शन बी है कॉमन कार्प, ऑप्शन सी है ग्रास कार्प, और ऑप्शन डी जो है वो है सिल्वर कार्प। साइप्रिनस कार्पियो ये कॉमन कार्प मछली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, रोहू मृगल नैन और कतला क्या है, कौन सी मछली है? तो ऑप्शन ए है मेजर कार्प, ऑप्शन बी है सिल्वर कार्प, ऑप्शन सी है ग्रास कार्प, और ऑप्शन डी है कॉमन कार्प। रोहू मृगल नैन और कतला जो मछली हैं वो मेजर कार्प के अंतर्गत आती हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, 1 हेक्टेयर तालाब में 75 मिलीमीटर की कितनी स्वस्थ अंगुलिकाएं संचित की जा सकती हैं? 1 हेक्टेयर तालाब में 75 मिलीमीटर की कितनी स्वस्थ अंगुलिकाएं संचित की जा सकती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है 3000 से 4000, बी 5000 से 6000, ऑप्शन सी जो है वो 7000 से 9000, और ऑप्शन डी है 10000 से 15000। तो इसका सही आंसर है 5000 से 6000। अगला प्रश्न हमारा है, सामान्य तालाबों में पाली जाने वाली भारतीय मेजर कार्प मछलियाँ कौन सी हैं? अभी हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था
कि मेजर कार्प कौन कौन सी मछलियाँ हैं। सामान्य तालाबों में पाली जाने वाली भारतीय मेजर कार्प मछलियाँ कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए इसमें दिया है भाकुर, ऑप्शन बी है रोहू तथा नैन, ऑप्शन सी है करोच और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी तरह की मछलियाँ भारतीय मेजर कार्प मछलियाँ होती हैं। अगला प्रश्न जो है, ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। विश्व मात्स्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर या 23 नवंबर? तो इसका सही आंसर है 21 नवंबर। विश्व मात्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नई मत्स्य पालन नीति किस वर्ष लागू की गई? तो नई मत्स्य पालन नीति किस वर्ष लागू की गई? तो ये ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2010 या ऑप्शन डी है 2012। तो आज से ठीक 10 साल पहले 2018 चल रहा है और 2008 में ये नई मत्स्य पालन नीति लागू की गई थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में स्वतंत्र रूप से किस वर्ष मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की स्थापना की गई है? प्रश्न पहले भी इस तरह के बहुत पूछे गए हैं परीक्षाओं में और इसमें भी ये पूछा गया है कि मत्स्य विभाग विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी स्वतंत्र मत्स्य विभाग की। तो इसका 1956 ऑप्शन ए है, 1964 ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी है 1968 और ऑप्शन डी है 1972। तो इसका सही आंसर है 1964 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक हेक्टेयर क्षेत्र के तालाब से वैज्ञानिक पद्धति अपनाने पर प्रतिवर्ष औसतन मत्स्य उत्पादन कितना होता है? तो इसका ऑप्शन जो है वो 2000 किलोग्राम, ऑप्शन बी 4000 किलोग्राम, ऑप्शन सी 8000 किलोग्राम या ऑप्शन डी 16000 किलोग्राम। तो इसका सही ऑप्शन है औसतन 4000 किलोग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। वर्ष में एक से अधिक बार प्रजनन करने वाली मछली कौन सी है? तो वर्ष में एक से अधिक बार प्रजनन करने वाली मछली जो कि मत्स्य पालन के लिए बहुत ही उपयोगी है कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है भाकुर, ऑप्शन बी रोहू, ऑप्शन सी नैन या ऑप्शन डी कामन कार्प। इसका सही आंसर है कामन कार्प, ये वर्ष में एक से अधिक बार प्रजनन करने वाली मछली है। देशी मछली कौन सी है? प्रश्न पूछा है देशी मछली कौन सी है निम्न में से? ऑप्शन ए ग्रास कार्प, ऑप्शन बी कामन कार्प, ऑप्शन सी सिल्वर कार्प या ऑप्शन डी मेजर कार्प। तो ऑप्शन इसका है मेजर कार्प, जो ऑप्शन डी है ये इसका सही आंसर है, देशी मछली मेजर कार्प कहलाती है। ठीक है, मछलियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? रेप्टिलिया ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है इकाइनोइमेंटा, ऑप्शन सी है पिसीज या ऑप्शन डी एम्फीबिया। इसका सही आंसर है पीसीज। ठीक है, पीसीज इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, अब कोई प्रश्न हमारे पास नहीं बचे हैं। अगले प्रश्न के लिए आपको हमारा अगला वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि हम कुछ ही दिनों में भाग 3 इसका अपलोड करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन पार्ट एक, भाग एक, भाग दो आप देख लीजिए, भाग 3 हम बहुत ही जल्दी इसका अपलोड करेंगे, जिसमें भी इसी प्रकार के कुछ प्रश्न होंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ ही जो हमारा विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है या जो है चैनल, उसका सब्सक्राइब कीजिए और उसको नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ। तो धन्यवाद, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, भाग 3 जो हम बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।